राम किसान भाइयों, आज हम आपको ये जो टमाटर की पौधे की तैयार की है हमने नर्सरी के अंदर, उनको लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये बेड बनाए और बेड के ऊपर हमने ये मल्च बिछाई, बेड बना के ड्रिप लगाई और ड्रिप लगा के फिर ये मल्च बिछाई हमने। और उसके बाद में हमने ये खुद का तैयार डिकम्पोजर और इसके हम अंदर थोड़ी मात्रा में गोमूत्र और थोड़ी मात्रा में ट्राइकोडर्मा डालकर इसको कम से कम जो टमाटर की पौधे की जो ट्रे है उसको इसके अंदर इस प्रकार से डुबो दिया। 15 मिनट डुबोने के बाद में अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में इसको बेड के ऊपर लगाएंगे। लगाने से पहले हमने 2 घंटे पहले ड्रिप में पानी चलाने का काम किया ताकि जो बेड है वो हमारा पूरा पानी से भीग जाए। तो हम ये इसको इसमें से निकाल रहे हैं। निकाल कर ये पानी पूरा नीचे की तरफ निसार रहे हैं। नहीं, ये है कम से कम 4 से 5 फूल हो जानी, 4 से 5 पत्ती हो जानी चाहिए और जो अपने ट्रे है उससे कम से कम 3 इंची इसकी हाइट हो जानी चाहिए, 2 से 3 इंची के बीच में। लगाने का तरीका ये है कि आप इसको नीचे से दबाओ अच्छी तरह और दबाने के बाद में आप इसको इस प्रकार खड्डा खोद कर इसको लगा दो, चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा दो। हम ये गर्मी की सीजन के जो टमाटर लगा रहे हैं और ये एक एक फिट की दूरी पर हम एक एक फुट की दूरी पर एक एक पेड़ हम लगा रहे हैं। ये जो हमारे टमाटर है वो नॉर्मली साइज के हैं, मतलब बेल टमाटर वो नहीं है, तो इसलिए हम ये दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। हम इसको दोनों तरफ लगा रहे हैं सिंगल बेड पे। बेड की हमारी चौड़ाई है कम ऊपर से ऊपर 1.5 से 1.5 फीट के आसपास है, तो हम दोनों तरफ लगा रहे हैं और एक एक फिट की दूरी पर। और इस प्रकार से हमने ये आज हमने ये 4 बेड टमाटर के लगाए हैं एक एक फिट की दूरी पर हमने। और अब ये जो हमने टमाटर लगाए हैं ये अप्रैल के अंदर शुरू हो जाएंगे, अप्रैल मई में, तो ये गर्मी के सीजन के टमाटर लगा रहे हैं हम। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना विशेष ख्याल रखिए।